आज कहाँ गेलो दू करोर नौकरी अब कहाँ गेलो युवा करो जगार 400 के पार तोहर नाराबा कर देबो गंगा जी के पार मोदी मोदी करो ही भैया मोदी देशा के कालहा कौरे रे भाई बा मोदी देशा के कालहा कौरे रे भाई बा सनो नहीं चला तो जी कमालो नहीं खिला तो जी तिरियो नहीं चला तो मोदी जी लालटन में खाली जला तो मछिया ऐठी करता फुटनिया ए बबुआ लालू जी के देनिया तोरा की चाहिए हम लोग चाहे रोजगार हम युवा महात्मा गांधी जी लड़े थे गोरों से और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं सब चोरों से जेडी के झुका दे के क्रम दम नहीं खे अब तोरा जैसा नेता हमारा कम नहीं खे 400 पार नहीं अब की बीजेपी का अंतिम संस्कार होगा और गंगा पार होगा। लालू यादव और तेजस्वी जी और आरजेडी से इतना लगाव क्यों? अभी हमारी मौजूदगी है तेजस्वी यादव की एक सभा में और यहाँ पे एक गायक है जो कि पूरे दर्शकों को अपने ओर आकर्षित कर लिए हैं। राजेश रसीला जी नाम है और गांधी मैदान में क्या बोलते हैं कि जो रैली था उसमें से वायरल हुए और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार लालू यादव से और आरजेडी से इतना दिल लगी क्यों है और लालू यादव और आरजेडी के प्रति इतने गाना क्यों गाते हैं तेजस्वी यादव से क्या बोलते हैं कि इतना लगाव क्यों है। सबसे पहले तो स्वागत होगा भाई जी। जितने भी नालंदा दर्शक को देख रहे हैं हमारे पूरे परिवार टीम और पार्टी की तरफ से सभी को पैर छू के प्यार भर नमस्कार। अच्छा एक बात बताइए रसीला जी, मोदी जी पूरा एकदम हल्ला उड़ा दिए हैं कि 400 पार और तेजस्वी यादव के हरेक सभा में अब आते हैं और तो मतलब कि दर्शकों को मन मोहते हैं। लालू यादव और तेजस्वी जी और आरजेडी से इतना लगाव क्यों? जी जैसे कि मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी का पेट में बच्चा है बिना अल्ट्रासाउंड किए हुए कैसे मालूम है कि बेटा है कि बेटी है? आपको पहले कैसे मालूम है कि 400 पार होगा जी? इसलिए हम इसके गीत लिखे हैं 400 पार नहीं अब की बीजेपी का अंतिम संस्कार होगा और गंगा पार होगा। ठीक है, गाता है कि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, अब आंधी तूफान भी सह जाएगा आरजेडी के लभर जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ठीक है, बाकी मोदी जी आप बोलते हैं 400 पार नहीं गंगा पार करेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। कि अरे कहाँ गेलो दू करोर नौकरी अब कहाँ गेलो युवा करो जगार, आज कहाँ गेलो दू करोर नौकरी अब कहाँ गेलो युवा करो जगार 400 के पार तोहर नाराबा कर देबो गंगा जी के पार 400 के पार तोहर नाराबा कर देबो गंगा जी के पार। मोदी जी अगर आप सरकार बनाते हैं ना ओरिजिनल में तो बैलेट पेपर पर वोट लीजिए, आपको असलियत पता चल जाएगा। ईवीएम से चोरी तो करिए के मोदी चाचा बनल हो सरकार, ईवीएम से चोरी तो करिए के मोदी चाचा बनल हो सरकार 400 के पार तोहर नाराबा कर देबो गंगा जी के पार। अच्छा रसीला जी एक बात बताइए कि आप लगातार तेजस्वी जी के सभा में आते हैं, आपको कोई मतलब कि इतना प्रेम है या फिर कोई फंडिंग वगैरह करता है? फंडिंग वगैरह हम लोग का जैसे कि 5-17 बनाम 17 जो 17 साल में नहीं हुआ हमारे तेजस्वी भैया 17 महीना में किया, 17 महीने में 5 लाख, अगर 5 लाख × 5 साल कीजिए तो कितना होगा? गरीब ताई घटेगी नहीं घटेगी? बेरोजगारी जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो ये सरकार चाहिए कि बोलता है कि हमारे महात्मा गांधी जी लड़े थे गोरों से, महात्मा गांधी जी लड़े थे गोरों से और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं सब चोरों से। कौन है चोर? अरे बीजेपी है यार, कौन? अच्छा तो बीजेपी वाला सब नेता बोलते हैं कि लालू जी चोर हैं, तेजस्वी जी चोर, उनको क्या कहिएगा? लालू जी चोर है, लालू जी चोर होते, बीजेपी वाले बोलते हैं ना, बीजेपी जो बोलते हैं आपका ये बात, लालू जी अगर चोर होते तो उनका तेजस्वी जो नौकरी दिए है उनका चहेता इतना होते? गांधी मैदान में हम जाकर के रैली में ताई जी किए, रोड पर जगह नहीं था उनके जनसभा में, वो रैली नहीं वहाँ रैला था, पटना आप भी गए होंगे और हम भी गए होंगे और वहीं से हम वायरल भी होंगे।
ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि कौन चोर है वो तो पर्दाफाश अभी बिल्कुल हो जाएगा। 24 के चुनाव में एकदम पर्दाफाश हो जाएगा, बिल्कुल फाश हो जाएगा। बिहार में कैसी सीट? एकदम पूरे के पूरे लेंगे, 400 एकदम 400 के पार। बोले तो 400 के 400 मेरा होगा, आपका गंगा पार होगा, अंतिम संस्कार करेंगे। ठीक है, ना गोलियों की, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से। अब आरजेडी बड़ा डरता है तो सिर्फ ऊपर वाला परवल बिगाड़ से, बाकी आलतू फालतू से डरने वाले हैं। पलटू जी चल गए, ईडी सीबीआई से नहीं डर? नहीं, नीतीश जी से डरेंगे। ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई। यार मछिया आई ठिकराता फुटानिया ए बबुआ, लालू जी के देनिया चुनाव चिन्ह रहे लटेनिया ए बबुआ, लालू जी के देनिया। सीबीआई से डरने वाले हैं, लालू जी डरे थे कि अगर लालू यादव डर लो नहीं तेजस्वी नहीं डरता हो गए, अगर लालू यादव डर लो नहीं तेजस्वी नहीं डरता हो गए, अब रिया राजे डी पार्टी अकेले लौता हो गए, अगे देखमी घरे घर में ललटेनामा जलता हो गए, अगे देखमी घरे घर में ललटेनामा जलता हो गए, अब रिया राजे डी पार्टी अकेले लड़ता हो गए। गांधी मैदान में ये गानवा वायरल हो रहा रसीला जी, वो बोला जरा हमारे दर्शकों को सुना दो। कौन बोला? ये गानवा वायरल हुआ मोदी मोदी कह रही। अच्छा, जैसे कि लोग बाहर से वाला बोलता है जो, अरे 10% बोलता है मोदी मोदी मोदी, तो आज मोदी का पोल खेलते हैं कि अरे मोदी मोदी करो ही भाई बा, मोदी देशा के काला कौरे रे भाई बा, मोदी देशा के काला कौरे रे भाई बा, कोई के रोजगारो नहीं देते ये बीजेपी के चाल कौरे रे भाई बा, ये बीजेपी के चाल कौरे रे भाई बा, पढ़ी लिख के घरा में बैठल जवानी में बुरा हाल कौरे रे भाई बा, ये बीजेपी के चाल कौरे रे भाई बा। और कुछ गैलू है? बहुत है। अरे शासनो नहीं चल तो जी, कमलो नहीं खिला तो जी, तिरियो नहीं चला, अरे कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं। इसका भाव है सोनमा गे फोनमा बन तुर बताओ। अरे शासनो नहीं चल तो जी, कमलो नहीं खिला तो जी, तिरियो नहीं चला तो, मोदी जी लालटेन में खाली जला तो, मोदी जी लालटेन में खाली जला तो, कितना दिन डरा लियो जी अबा नहीं डरा तो जी, लाठी लेके आड़ा तो, इतना दिन डरा लियो जी अबा नहीं डरा तो जी, लाठी लेके आड़ा तो, पलटू जी लालटेन में खाली जला। शायरी वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल। कहता है मत मार पानी में पत्थर उसे भी कोई पीता होगा, मत मार पानी में पत्थर उसे भी कोई पीता होगा, हमारे आरजेडी लवर मत रहो जिंदगी में उदास, क्योंकि हम लोग को देख करके भी विपक्ष वाला जीता होगा। ठीक है, विपक्ष वाला हम लोग को देख के जीता? अरे हम लोग को देख करके भी उन लोग को मिल जाता है कि हम लोग जीवित तो उसको पानी थोड़ा दे देते हैं, इधर उधर से चल जाता है, इसीलिए बोलते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जम्मू जिला डिस्ट्रिक्ट मेरा हुआ, अलीगंज प्रखंड से हम रहने वाले हैं। अब वैसे क्या करते हैं आप? तो वैसे गाना वगैरह गा रहे हैं, बेरोजगार है और क्या करेंगे? रोजगार कौन देगा? रोजगार देगा हमारे भैया जी आएंगे, हमारे सांसद बनेंगे अनीता जी, और सीएम बनेंगे राहुल जी आएंगे, हमको हर साल 1 करोड़ नौकरी का वादा किए हैं, अगर नहीं सुने तो सुन लीजिएगा। हाँ। सिलेंडर भी मांग के कम होगा। हाँ। ये सब वादा किया गया है। हाँ। तो हम लोग विश्वास करके, यकीन करके, हम लोग तेजस्वी भैया जी का प्रचार में और राहुल गांधी जी के प्रचार में जुड़े हुए हैं और पूरा विश्वास है कि अनीता जी को जिताएंगे, जिताएंगे एकदम पक्का, जितना भी। अच्छा अच्छा, अनंत सिंह आगल खून है चुनाव में बाहर, अनंत सिंह? अरे कोई भी आ जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पलटुए जी अगर पलटी मार दी तो क्या दिक्कत हो गया है? मार दिए। कह रहे चल गैला तो जाए पलटू गम नहीं खे, कह रहे चल गैला तो जाए पलटू गम नहीं खे, तोरा जैसन नेता हमरा काम नहीं खे, आरजेडी के झुका दे के क्रम दम नहीं खे, तोरा जैसन नेता हमरा काम नहीं खे।
अब आरजेडी का सरकार बनेगा भैया, पक्का बनेगा। हाँ हाँ, पूरा एकदम वोट पड़ेगा एकदम। इधर ललन सिंह भी आ गए हैं बाहर। ललन सिंह ने कोई ललन सिंह अनिता सिंह अनिता कुमारी अनिता कुमारी को जी जी बिल्कुल लालटेन में पूरा मुंगेर क्या उम्मीद है तेजस्वी जी से और अनिता जी? रोजगार देगा नौकरी देगा। आप भी कुछ गा रहे थे, आप भी कुछ गाइए। रोजगार दिया है कौन? तेजस्वी यादव। हाँ, तोरा की चाहिए। हम लोग चाहे रोजगार, हम युवा। अच्छा, दारू चालू होने के चाहे कि नहीं? नहीं, दारू चालू न होना चाहिए। ऐसा ही पी लो जी, ऐसी मार रहा है जिंदगी में। डुप्लीकेट बेच के मार रहा है सबको। चलिए, रसीला जी हैं जो कि अपने अंदाज से आए दिन वायरल होते रहते हैं। बाकी आप रसीला जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।